नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है चाणक्य टीवी और मैं आपके साथ रवि। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि सलमान खान ही अकेले हिट एंड रन मामले में दोषी थे या उन्होंने ही केवल ऐसा किया है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि उनके साथ एक एक्ट्रेस थी मैंने प्यार किया मूवी में, भाग्यश्री जी, तो उन पर भी एक हिट एंड रन का मामला दायर हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटाक्रूज मुंबई में एक शख्स है मिस्टर मोहम्मद नौसिफ शेख, उन्होंने कहा कि एक वाइट स्कोडा कलर की गाड़ी 16 नवंबर 2016 को रेड लाइट क्रॉस करके जंप करके मतलब और उनके ऊपर चढ़ा दी गई और उनकी टांग टूट गई है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी जिसमें कि कहा गया था कि ये गाड़ी भाग्यश्री की है और वही उसे ड्राइव कर रही थी। और उसने आगे अपनी एफआईआर में ये भी दर्ज किया है कि उनके पति मिस्टर हिमालया बुटानी जी उनसे मिलने आए थे हॉस्पिटल में और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मेरी बाइक चला रही थी कार, चलो यार हो गया करके। तो लेकिन फिर भी उसके बाद मतलब पर अब भी आपको बताएं कि वैसे वो बरी हो चुकी हैं इस केस से, लेकिन अभी भी वो जो शख्स है नौसिफ शेख मोहम्मद, वो बार बार यही कह रहा है कि इस केस में कुछ गलत सलत किया गया है, तथ्यों को उल्ट पुलट करके बनाया गया है, मतलब वो धाराएं भी नहीं लगाई गई हैं जो कि लगनी चाहिए, क्योंकि खुद भाग्यश्री ड्राइव कर रही थी और भाग्यश्री कहती हैं कि मैं ड्राइव नहीं कर रही थी। और भाग्यश्री का कहना है कि वो शख्स उनसे ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने के चक्कर में अब केस को जानबूझ के सोशल मीडिया में ला रहा है और मतलब गलत शलत बातें कर रहा है। हमारे पास उसके खिलाफ़ सारे सबूत भी हैं और सारे जो भी एविडेंस हैं, वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, कॉल करके उस पैसों की मांग की। खैर जो भी हो, लेकिन हमें तो यही बताना था कि हिट एंड रन में अकेले सलमान भाई दोषी नहीं है भाई, भाग्यश्री जी भी हैं। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब।